साईयो। आपने कहा था यहाँ दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं। मैंने सत्य ही कहा था। अब मुझे क्या पता था कि शिरडी में नया डॉक्टर आ जाएगा। जाएगा नहीं सरकार, जाएगी। वो डॉक्टर औरत है। क्या कहा, फिर से बोल। वो डॉक्टर औरत है। तो ये तो पहले नहीं बता सकता था। हाँ? औरत और डॉक्टर। अब हमारी चिंता जाती रही जनार्दन सेठ। होश ठिकाने हैं आपके या मेरी जान हलक में है और आपको हंसी सूझ रही है। हंसने की तो बात है। आपने सुना नहीं, एक स्त्री और डॉक्टर। अरे एक नारी डॉक्टर बन के क्या तीर मार लेगी। चूल्हा चौका करने वाली स्त्री भरा चिकित्सा कर सकती है, है? चिकित्सा का क्षेत्र स्त्रियों के बस का नहीं है। रग देख के भैंसे चिल्ला उठने वाली है स्त्रिया। चलो मान भी लिया, दो चार किताबें पढ़ के बन भी गई डॉक्टर, लेकिन लोग क्या अपना जीवन उनके हाथ में सौंपेंगे? कभी नहीं। बैठ जाइए, आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए। हाँ, तो क्या कह रहा था तू? उस डॉक्टर ने उस बच्चे का इलाज करने की कोशिश की, लेकिन उसके माँ ने इलाज करने ही नहीं दिया। वो तो बहुत भड़क गई थी। हाँ, क्योंकि सुई लगाते समय उस डॉक्टर का हाथ कांप रहा था। हरिओम हरिओम। कुछ समझ में आया जनार्दन सेठ? उस स्त्री के पास अनुभव नहीं है, आत्मविश्वास की कमी है। तो बताइए, ऐसे स्त्री के पास कौन जाएगा उपचार करने के लिए? अगर धीरे धीरे आत्मविश्वास आ गया तो। जनार्दन सेठ, मैं अपने गांव वालों को भली भांति जानता हूं। नारी शक्ति की बातें कहने सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जान पर जब बनाती है ना, तो लोग मर्दों पर ही विश्वास करते हैं। चलिए, आपकी चिंता दूर करने के लिए मैं सुनिश्चित करूंगा कि उस डॉक्टर में आत्मविश्वास आना तो दूर, बचा कुचा आत्मविश्वास है ना, वो भी चला जाएगा। ये कैसे करेंगे आप? आपने कहा था, याद है, आपको केवल लाभ हानि की बात समझ में आती है, है? तो वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए, विश्राम कीजिए, तब तक मैं इसे कुछ समझा के आता हूँ। हरिओम। बैठिए। आओ पंता। पंता, उस डॉक्टर के बारे में सब कुछ पता करो। सरकार, मैंने जनार्दन सेठ के सामने नहीं कहा, लेकिन उस फकीर से मुलाकात हो चुकी है उस डॉक्टर की। हरिओम हरिओम। मैं जानता हूं वो क्या करेगा। मैंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया है ना, तो वो डॉक्टर को ढाल बनाकर मुझे क्षति पहुंचाएगा। हरिओम। आइए, डॉक्टर पिल्लई जाते वक्त चाबी मुझे सौंप गए थे। यहां तो बहुत धूल है। कुछ हफ्तों से बंद पड़ा है, इसीलिए साफ सफाई नहीं हुई। लेकिन मुझे इसकी साफ सफाई करने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। आप परेशान मत होइए, डॉक्टर पिल्लई के जो सेवक थे यहीं पास में रहते, वो साफ सफाई और सामान व्यवस्थित करने में आपकी मदद कर देंगे। मैं उन्हें बुलाकर लेके आता हूँ। शुक्रिया।
साईं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सिर्फ मेरी मदद ही नहीं की बल्कि आपने मेरा हौसला भी बढ़ाया। मैंने कहा ना बेटी, इस इम्तिहान की घड़ी में तुम ही हमारे लिए आशा की किरण हो। तुम्हारी मदद करना तो हमारा फर्ज है। एक तो औरत, ऊपर से कह रही है डॉक्टर है, संभव है ये भला? दूर है तुम मेरे बच्चे से, या खाक डॉक्टर हो तुम? मेरा ही बच्चा मिला था तुम्हें अंधेरे में तीर चलाने के लिए। हर कोई आपकी तरह नहीं होता सर। एक बात कहूं आपसे, आप ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिसने मेरा इस पेशे में आना इतनी खुशी से स्वीकारा है। लेकिन एक अलग सोच रखने वाला व्यक्ति मिल जाने से हालात नहीं बदलते। समाज की सोच आज भी वही है। बदलाव की शुरुआत एक व्यक्ति से ही होती है माई। आज मैं साथ हूं, कल और 100 लोग साथ होंगे, कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी। सावित्री, मदद लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपना हौसला बढ़ाना हमें खुद आना चाहिए। जिस राह पर तुम निकली हो उसमें चुनौतियां आएंगी, कई चुनौतियां तो तुम्हें अकेले झेलनी होंगी। ऐसे समय पर तुम्हें खुद अपना हौसला बढ़ाकर आगे बढ़ना होगा, तुम्हें स्थिर रहना होगा। अतीत को भुलाकर आज में जीना है। जिन्होंने गलत सोचा उन्हें गलत साबित करने का मौका दिया है तुम्हें राम जी ने, इसे गंवाना मत। नए डॉक्टर साहब के लिए सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए, उन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मैं तो दुआ कर रहा हूं कि शिरडी की मर्ज को दूर करने के लिए कोई डॉक्टर है। नए डॉक्टर साहब कहां हैं? वो नए डॉक्टर साहब मैं ही हूँ, शिरडी में नियुक्त नई डॉक्टर, डॉक्टर सावित्री। कौन डॉक्टर? ये है कांजी और अन्ना। डॉक्टर पिल्ले की जगह अब यहाँ का कार्यभार ये संभालेंगे, इसीलिए जैसे आप लोगों ने डॉक्टर पिल्ले की मदद की, उनकी बातों का मान रखा, अब वही मान और मदद डॉक्टर सावित्री को देनी है आपको। लेकिन ये यहां कैसे काम कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? ये तो एक औरत है। ऐसा किसने कहा कि एक औरत डॉक्टर नहीं बन सकती? प्रणाम साईं, माफ कीजिएगा साईं, लेकिन इतनी समझ एक औरत में कैसे होती है? भला बीमारी भगाना कोई घर चलाने जैसा आसान काम तो है? एक औरत के हाथ में मरीज को सौंप मतलब उसकी जिंदगी से खिलवाड़ करना। डॉक्टर बनने के लिए ज्ञान चाहिए होगा जो इसके पास है। दूसरों की सेवा करने की भावना चाहिए होती है जो इसके पास है, नहीं तो ऐसी महामारी में अपना घर छोड़ के इतनी दूर कौन आता है?
हमें तो इसके ज्ञान और सेवा भाव की सराहना करनी चाहिए। और तुम लोग इस पर ही सवाल उठा रहे हैं? माफ कीजिएगा साईं, सच तो ये है कि कुछ काम सिर्फ मर्दों को ही शोभा देते हैं और हम तो सीधे साधे गांव वाले हैं, और किसी की सेवा करने की इच्छा को पूरी करने के लिए हम अपनी जान को जोखिम में नहीं डालेंगे साईं, और ना ही दूसरों की जान से खेलने में मदद करेंगे। हमारा भी घर परिवार है, लोग तो हमारा मजाक बनाएंगे ना, बोलेंगे कि मर्द हो के औरत के हाथ के नीचे काम कर रहे हैं। नहीं साईं, यह नहीं होगा। एक महिला डॉक्टर से ना तो हम इलाज करवाएंगे और ना उसके हाथ के नीचे हम काम करेंगे। अगर इन्हें शौक है दूसरों की जान से खेलने का तो शौक से खेलें, लेकिन इस पाप में हम भागीदारी नहीं बन सकते। हम जा रहे हैं साईं। साईं, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो लोग ऐसा बर्ताव करेंगे। इतनी ओछी सोच कैसे हो सकती है? इसके साथ हमेशा ऐसे ही होता आया है। सही, मुझे देखकर आपको लगा होगा ना कि मैं इसे रोकती हूँ हमेशा, इसका साथ नहीं देती, पर इसकी सबसे बड़ी ताकत मैं ही थी। इसके बाबा ने और मैंने समाज की सलाह के खिलाफ जाकर इसे पढ़ाया लिखाया। जब ये अपनी खुशी से डॉक्टर बनना चाहा तो मैंने रोका नहीं। हर मोड़ पर मुश्किलें आई, पर हमने यही सोचा कि जिस दिन ये डॉक्टर बन जाएगी ना, सब ठीक हो जाएगा, लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। पर अब लगता है मैं गलत थी, क्योंकि ये डॉक्टर तो बन गए लेकिन लोगों के ताने कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। हर रोज कोई ना कोई बात इसकी दिल दुखा जाती है, कोई बात इसे उदास कर जाती है। रोज रोज इसे उदास और दुखी मुझसे देखा नहीं जाता। सुना ना जनार्दन सेठ, चिकित्सालय तक साफ नहीं कर पाई वो, गांव से महामारी का खाक साफ करेगी। हरिओम। हमारे बीच हुए समझौते को तो आप जानते ही हैं ना, अगर नुकसान हुआ तो ब्याज समेत मूल रकम वापस करनी पड़ेगी आपको, तो चिंता आप कीजिए। अरे वो स्थिति आएगी ही नहीं जनार्दन से। आज कुछ लोगों ने उसका तिरस्कार किया, कल पूरा गांव करेगा, देख लीजिए। उसकी सहायता करने के लिए एक व्यक्ति आगे नहीं आएगा। हरिओम। आपकी चिंता जायज है माई, लेकिन परिस्थिति से भागना ना कभी मुश्किलों का हल रहा है और ना ही हो सकता है। आपने इसे सपने देखने की आजादी दी है, तो मुश्किलों से लड़ने का हौसला भी दीजिए। हम इसकी दुख और परेशानी कम तो नहीं कर सकते, लेकिन उसे बांट तो सकते हैं। वो कैसे? ये आप क्यों कर रहे हैं केशव?
सावित्री यहाँ एक नेक इरादे से भला काम करने आई है और मुझे यकीन है इसके यहाँ होने से कई मासूमों को जीवन दान मिलेगा। अगर इस कार्य में हम सहयोग दे सके तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मैं तो ये पुण्य जरूर कमाऊंगा। फिर तो मैं भी आपकी मदद करूंगा साईं। दाता ने दो हाथ दिए हैं, सेवा सत्कर्मों के लिए है। झूठी राह पे क्यों तू जिए है, नेक राह ही है हर का काम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। ओ जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा मैं जो सर्वोपरि हूँ। निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। करनी जी, ये मेरी धर्मपत्नी जानकी। नमस्कार। नमस्कार। महेश और सुनभाई कहाँ हैं? खंडोबा मंदिर गए हैं दर्शन करने। पैदल? आप क्यों भूल जाते हैं वैद्य जी की बात? उन्होंने कहा था ना, उर्मिला को इस हालत में रोज थोड़ा बहुत चलना फिरना जरूरी है। कम से कम वो किसी सेवक को ही साथ ले जाते, नया गाँव है। सुनभाई को कोई समस्या है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो खुशखबरी है। सुनभाई का 8वां महीना जो चल रहा है। अरे वाह, बधाई हो बधाई हो। देख लीजिए, पोते के साथ साथ घर में धन वर्षा भी होगी। एक बार मेरी औषधि की बिक्री शुरू हो जाए फिर देखिए, हमें कोई नहीं रोक पाएगा, विशेषकर वो महिला डॉक्टर। हरिओम। शुक्रिया साई मदद के लिए। देखो, अगर थक गई हो तो थोड़ी देर बैठ जाओ। नहीं, इतने भी नहीं थकी कि चल ही ना पाओ। चलते रहिए मेरे साथ। जी, आराम से। अंदर की सफाई तो हो गई, अब आंगन भी साफ कर लिया जाए। आराम से, आराम से। उर्मिला क्या हुआ तुम्हें? उर्मिला आराम से पहुंचने वाले। उर्मिला तुम ठीक हो? उर्मिला मतलब पहुंचने वाले, रुक जाओ। उर्मिला आराम से संभालो। उर्मिला आप ठीक तो है? आइए इन्हें दवा खाने ले चलते हैं। चलिए। भगवान का शुक्र है कि दवा खाने के पास ही तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर साहब जांच करके तुरंत बता देंगे। आज डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी। मैं डॉक्टर नहीं हूं। तो डॉक्टर साहब कहाँ हैं? उन्हें बुलाइए जल्दी। सबूरी रखो, तुम्हारी पत्नी का इलाज शुरू हो चुका है। वो देखो,
केशव भाव, आप चीनी और नमक का घोल बनाकर लेकर आइए, इन्हें पिलाना पड़ेगा। ठीक है। नमक और चीनी का घोल, दवा नहीं? जी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। थकावट की वजह से इन्हें चक्कर आ गए थे, चिंता की कोई बात नहीं है। नमक और चीनी का घोल पिएंगी तो ताकत आ जाएगी घर जाने की, इन्हें बस आराम की जरूरत है। ये आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि ये डॉक्टर है, शिरडी की सरकारी डॉक्टर। ये लीजिए। मजाक कर रहे हैं? एक औरत और डॉक्टर, संभव ही नहीं। क्यों नहीं? डॉक्टर बनने के लिए जो पढ़ाई करनी होती है वो इन्होंने की। अंग्रेज सरकार ने इन्हें नौकरी दी है तो कुछ सोच के ही दी होगी ना। आहो, अब अच्छा लग रहा है मुझे। डॉक्टरनी साहिबा, आपने बिल्कुल सही कहा, थकान की वजह से ही आई थी चक्कर। वो क्या है कि हम आज ही नगर से शिरडी आए हैं, तो पहले से ही सफर की थकान थी और ऊपर से आते ही पैदल टहलने निकल पड़ी, चक्कर तो आना ही था। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन एहतियातन एक बार कुलकर्णी काका को दिखा देंगे कि चक्कर क्यों आया। लेकिन मैंने कहा ना कि। माफ करना, कुछ काम मर्दों के ही होते हैं। चार किताबें पढ़ लेने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, और मैं इतना लापरवाह नहीं हूं कि अपनी बीवी और होने वाले बच्चे की जान किसी औरत के भरोसे छोड़ दूं। चलो अंदर। ओह, डॉक्टरनी साहिबा सही कह रही है, थकावट ही है वजह, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उर्मिला, कुलकर्णी काका का घर रास्ते में ही आता है, जाकर मिल लेंगे उनसे। और सच कहूं तो मुझे भरोसा नहीं इस डॉक्टर पर। पर मुझे है। चलो आराम 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 से। देखा बेटी, तू मेहनत कितनी भी कर लो पर लोग कभी भी एक महिला डॉक्टर पे भरोसा नहीं करेंगे, उसे गंभीरता से नहीं लेंगे। मजबूरी में वो यहाँ आ तो जाएंगे, लेकिन मौका मिलते ही किसी पुरुष के पास चले जाएंगे, चाहे वो नीम हाकिम हो या सिद्धांत।